ठीक है, और इसको भी हटा दो। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने डायलॉग फ्लो पे। सेनानी असिस्टेंट का नाम मैंने बनाया था, मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये क्या है मेरे इंटेंट का नाम है। मैंने सिंपली इसको कॉपी किया और मैं आ जाऊँगा वहाँ पर अपने बोर्ड पे, और मैं क्या करता हूँ हाई की जगह मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है इंटेंट डॉट मैप, ये क्या कर रहा है आपके जितने भी फुलफिल आपने जो इंटेंट बनाए हैं तो उसको क्या करता है, अब जैसे कोई भी कॉल हुई, जैसे लेट सपोज यहाँ पे पांच पांच से दस इंटेंट, तो आप कोड को तो बताना पड़ेगा ना किस कौन से फंक्शन, वहां पर जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे ना वो कॉल करके उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिस्पॉन्स को क्या कर देगा, सेंड कर देगा कहाँ पर, उस चैटबॉट पे। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या किया है एक वेलकम के नाम, वेलकम क्या नाम है डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट के नाम से क्या किया भाई यहाँ पर बराबर, तो डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट का जो नाम था ना मैंने क्या रख दिया यहाँ पर पैरामीटर में रख दिया, और मैंने उसको बता दिया कि मैं फंक्शन में डिफाइन करूंगा तो उसका नाम क्या होना चाहिए हाई होगा। हमारे भाई कोड थोड़ा सा ज़ूम इन करते हैं जरा, हो सकता है काफी है। ठीक है, तो मैं क्या बना लेता हूँ जल्दी से फंक्शन, ठीक है उसका नाम मैं क्या रख देता हूँ हाई, और एजेंट में पास कर देता हूँ, और अभी मैंने पीछे बताया था कि मैं एजेंट से रिस्पॉन्स भेजूंगा, सॉरी जब मैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन से रिस्पॉन्स भेजूंगा तो वो किसके थ्रू भेजूंगा, एजेंट के थ्रू। मैं क्या करूंगा एजेंट डॉट एड, ठीक है अब मैं क्या करता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पे मैं रखता हूँ आई दिस दिस सर्वर, क्योंकि अभी जस्ट फॉर चेकिंग इनने किया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ नोट बॉन इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है मैंने इंडेक्स डॉट जे एस को रन कर दिया, कोड वगैरह डिफाइन है ऑलरेडी 8080 पर चल रहे हैं। अच्छा अब मैं क्या करूँगा एन जीरो, मैं क्या करूँगा एन जीरो एच टी टी पी और कोड नाम क्या है हमारा 8080। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा मुझे ये HTTPS लिंक दे देगा, तो मैं इसको उठाऊंगा कॉपी किया, और मेरा सर्वर देखना किस पे हिट हो रहा है स्लैश वेबुक, तो मैं इस लिंक के आगे क्या लगाऊंगा स्लैश वेबुक भी लगाऊंगा, तो मैं आ जाता हूँ फुलफिलमेंट पे, इसको करूंगा इनेबल वेबुक को पेस्ट करूंगा और स्लैश वेबुक लिखूंगा। ठीक है, और क्या करूंगा इसको सेव, ठीक है और अब मैं सेंड करता हूँ हाई का रिस्पॉन्स। अच्छा एक और एक काम करना है, आई थिंक हमने किया हुआ है, हमने यहाँ से ना इनेबल करना है इसको, तो हमने अभी पीछे किया, तो मैं क्या करता हूँ हाई का रिस्पॉन्स भेजता हूँ, लेट्स सी क्या आता है, नो अनअवेलेबल, तो देखते हैं क्या इशू। अच्छा जितने में हम बात पर इसको सही कर रहे हैं, ये एनजी लॉक जो हमने लगाया ना ये हमने इसलिए लगाया है, अगर हम एनजी लॉक नहीं लगाते तो ये सर्वर हम डिप्लॉय करते हैं साइक्लिक पे, और साइक्लिक का यूआरएल होता है कि डायलॉग फ्लो से जब भी कोई बात करे तो वो रिक्वेस्ट साइक्लिक के क्लाउड पे पहुंचती हमारे सर्वर पे। अब लेकिन साइक्लिक पे मसला ये है वो जब भी मैं कोड चेंज करूंगा तो वो बार बार डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो इसलिए हम फौरी तौर पर एनजी लॉक लगा रहे हैं जो हमारे लोकल जो होस्ट पे जो सर्वर चल रहा है ना उसी को वो क्लाउड पे कुछ करता है जुगाड़ बैकग्राउंड में, तो अब वो हमें URL दे देता है, तो जब भी उस URL पे पूरी दुनिया से कोई भी रिक्वेस्ट करेगा वो वहाँ पहुँचती है, तो लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्शन में हमारे भाई हम फिर उसको साइक्लिक पे या किसी ऐसे हरीको वगैरह पे कहीं पे डिप्लॉय करके उसका लिंक लगेगा प्रोडक्शन में, क्योंकि ये तो एनजी रॉक जब तक पीसी में चल रहा है जब तक ही है, पीसी बंद होगा एनजी रॉक बंद हो जाएगा और हर दफा नया लिंक देता है एनजी रॉक। इन शॉर्ट ये डेवलपर्स की है, समझ लो कि आप जैसे काम करते हो ना, जैसे नोट वन क्या करता है, नोट वन भी ये करता है कि चेंजेस किया आपने भाई यूआरएल उस पे लाइव अपडेट हो, तो ये समझ लो कि एचटीटीपीएस नोट वन। तो अच्छा क्या इशू था भाई, मैंने जो सेंड इमेज जो कॉपी किया था ना वो इंटेंट का इशू था, तो मैं क्या करते हैं इसको कमेंट करते हैं, लेट्स सी अगेन ट्राई करते हैं इसको, आएगा मैंने रिस्पॉन्स दिया और आया दिस इज सर्वर रिस्पॉन्स, अब देखना कि भाई सर्वर का रिस्पॉन्स आया तो देख लो यहाँ पे हमारे पास 200 का आ गया, ठीक है सलानी असिस्टेंट का तो मैंने नाम रख दिया है, लेकिन चलो नाम हम क्या करते हैं
अच्छा अहमद भाई, मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट शुरू की है, तो आप जरा अगर ये इससे पहले सर्वर का जो कोड आपने लिखा है वो 10-12 लाइनों का कोड है, ज्यादा नहीं है, तो जरा सा आप एक दफा अगर गो थ्रू करवा दें ये नीचे का टर्मिनल बंद करके कि ये आपने ऊपर से नीचे तक ये क्या लिखा है, तो ये रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा। अच्छा हम क्या करते हैं, एक तो ये कस्टम रिस्पॉन्स आता है डायलॉग फ्लो के थ्रू, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें फुलफिलमेंट के थ्रू खेलना शुरू हो गया। ये इसकी केबल में कुछ इशू है, ठीक है। एक तो क्या होता है रिस्पॉन्स डायलॉग फ्लो में कि हम डमी रिस्पॉन्स यहाँ पे हमने रखा और ये डायरेक्टली हिट होता है, एक हम क्या करते हैं फुलफिलमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं रिस्पॉन्स को सेंड करते हैं, हम क्या यहाँ पर अपने कस्टम सर्वर्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अच्छा एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, लेकिन इसकी क्या है एग्जाम्पल नहीं है, तो अक्सर क्या होता है यहीं पे जो सीखने वाला होता है डायलॉग फ्लो वहाँ पर बंदा जाके स्टक हो जाता है। तो ये जो डमी कोड है ये समझ लो ये डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट का है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने डायलॉग फ्लो को क्लाउड की जो इसकी npm हमने उसको ऐड कर दिया। आपने क्या करना है सिंपली टर्मिनल पर जाकर npm इंस्टॉल और ये सिंपली कॉपी करके रख देना है गूगल क्लाउड / डायलॉग फ्लो। उसके बाद ये जो npm है ना डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, सिंपली आपको इसको कॉपी करना है एंड देन इसकी आपको यहाँ पे अपने आपको अपने कोड पे आपको इसको लगा देना है। देन हम एक्सप्रेस का सर्वर यूज करें, तो मैंने क्या कि एक्सप्रेस को ऐड कर लिया और क्रॉस ओरिजिन के इशू के लिए हमने क्या कर दिया क्रॉस को पॉड्स को इनेबल कर दिया। अच्छा भाई पोर्ट हमारे पास जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ये उठा लेगा, लेकिन हम क्या अभी डेवलपमेंट में है तो हम 8080 को हिट करें और लिसन कर रहे हैं और ये हमें कंसोल करके दे रहे हैं, ठीक है। ये तो कहानी हो गई सर्वर की। यहाँ पे अगर इतने चीज़ों को कमेंट करते हैं और बाकी चीज़ों को हम देखें तो हमने किसकी बात कर ली, एक नॉर्मल एक्सप्रेस के सर्वर की। इसको जब हम क्या करेंगे इनेबल, तो ये जो पूरी कहानी ना इस पर्टिकुलर पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे पूरी कहानी चल रही है डायलॉग, ठीक है। हमने क्या मैं क्या करता हूँ जब भी कोई यूजर आए तो हम क्या करते हैं उसकी एक यूनिक सेशन आईडी क्या करते हैं जनरेट करते हैं और उसको मैंने क्या कर दिया कंसोल करवा दिया, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को यहाँ पर यूज करें एज अ वेब क्लाइंट, ठीक है। उसका मैंने क्या नाम रख दिया एजेंट, ठीक है। और मैंने अभी पीछे बताया इस एजेंट के थ्रू पूरी जो रिक्वेस्ट है उसकी पूरी कहानी क्या चल रही है, पूरी कहानी चल रही है उसके, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं हम आ जाते हैं नीचे, अब क्या करते हैं सेंडेंट को मैप कराते हैं। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पर कितने मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल दी कि भाई 3-4 इंटेंट, वहाँ पर इसको गेट करने के लिए क्या होगा हम वहाँ पर मैप क्रिएट करेंगे, तो मैंने क्या कर दिया इंटेंट मैप एक न्यू क्रिएट कर दिया और मैंने नीचे सेट करने बता दी कि भाई इस इंटेंट को सेट कर दो और जो मैं कॉल करूँगा उस पर्टिकुलर नाम ये होगा। तो मैंने क्या किया डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट को मैंने किस फंक्शन से मैं उठा रहा हूँ हाई के नाम से, आप सेम भी रख सकते हो ऐसा कोई मसला नहीं। आप जैसे यहाँ पर आपने क्या कर दिया इसको भी हाई कर दो और इसको भी हाई कर दो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम आगे बढ़ते हैं एक न्यू इंटेंट क्रिएट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक न्यू इंटेंट पे क्लिक करता हूँ, देन मैं क्या कर देता हूँ उसका नाम लेट सपोज रिजर्वेशन, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ सेव और मैं रेस्टोरेंट के लिए बना रहा था कि मैं यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ बात भाई ये साउंड इफेक्ट ये आपके पास से आ रहा है? अच्छा सर ये टैब 9 का है। अच्छा हाँ वो माइक। अच्छा मैंने भी किया हुआ मेरे पास नहीं आता ऐसा क्यों? सर मैंने सर नोटिफिकेशन ऑन की हुई थी टैब 9 स्टार्ट। अच्छा इस साउंड का क्या मतलब है कि गड़बड़ हुई है कुछ? हाँ मतलब वो सजेशन दे रहा होता है। अच्छा सजेशन देता है तो साउंड भी देता है। अच्छा गुड यार। व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ एक न्यू इंटेंट क्रिएट किया मैंने रिजर्वेशन, तो मैं यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ों को ऐड कर दूंगा। ऐड ट्रेनिंग फेसेस में आया तो मैं क्या करता हूँ रिजर्वेशन एक सिंपल मैसेज, अगर रिजर्वेशन कोई बोले तो, ठीक है। और मैं करता हूँ सेटअप, मैं एक काम करता हूँ बुकर टेबल भी तो बोल सकते हैं बुकर टेबल, ठीक है। और मैं देता हूँ रिजर्वेशन एट
8 PM, ठीक है, यहाँ पर तो टाइम को क्या लेगा, डेट लेगा, तो मैं डेट टाइम की रखूंगा, मैं टाइम और डेट दोनों को अलग रखूँगा। तो मैं यहाँ से इसको किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैं इसको टाइम में क्या कर देता हूँ, चेंज कर, ठीक है, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से इस तरह से नंबर कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अच्छा, रिजर्वेशन अब कह देता हूँ बुक टेबल एट ठीक है, यहाँ से इसको भी गेट कर लेना चाहिए, डेट टाइम किया, तो अब मैं इसको क्या करूँगा, डेट रखूँगा, दोनों को एक साथ लिखता हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है, तो स्नैप भी एक लिए कर सकते हैं, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, वो चले। अच्छा, इतने को हम क्या करते हैं टेस्ट में। अच्छा, अब क्या हो गया, जैसे आपको अगर कोई रिजर्वेशन देगा तो उस पर हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्शन हम अप्लाई कर देंगे, भाई रिजर्वेशन करना है किस वक्त, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एट व्हाट टाइम, ठीक है। अब जैसे किसी ने रिजर्वेशन कहा ना, तो वहां पर तो उसने डेट और टाइम बताया नहीं, तो यहाँ पर ये जो एक्शन एंड पैरामीटर्स में जाकर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट्स को अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि हमने कहीं टाइम अगर कोई मिस करा, जैसे अगर उसने कहा कि 11 बजे करना है और उसने दिन नहीं बताया था, तो वहां पर ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, तो एट व्हाट टाइम के बाद मैं डेट बता दूंगा, मैं बस बोल दूंगा कि एट व्हिच डेट, ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको भी सेव, और इस वाले जो फुलफिलमेंट है उसको भी क्या कर दूंगा, एबल कर दूंगा सिंपली और सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट फॉर चेकिंग मैं बुक फेल कर देता हूँ, अगर नहीं रिसेंट हो, FAIL, ठीक है, और अब मैं कोड पे आके क्या करूंगा, एक न्यू हमें एजेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसी एजेंट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देता हूँ। अच्छा, मैंने नाम क्या रखा है, रिजर्वेशन, तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ पे रिजर्वेशन रख देता हूँ, और मैं अभी पीछे बताया कि अगर हम सेम नाम रखें तब भी कोई इशू नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, रिजर्वेशन रख दिया। अच्छा, अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने पैरामीटर्स उठाया, ठीक है, तो ये सारे क्या है, पैरामीटर्स है ना, तो हमें अब इस कोड में भी इन पैरामीटर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो पैरामीटर्स का कोड, पैरामीटर्स किस तरह से उठाते हैं, ये आ गया एजेंट डॉट एड डॉट पैरामीटर्स ऐसे करके कुछ है, हाँ ये सिंपली स्कोर डाल, ठीक है। अब जो इसमें हमारे काम का नहीं है वो हम हटा देंगे, हमने क्या कर रहे हैं, हमें किसकी जरूरत है, डेट और टाइम की जरूरत है, तो मैं नंबर्स और फोन और ईमेल ये तीनों को मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, मूव, और मैं यहाँ पे करके ऑल सेट, और मैं टाइम बता दूंगा कि भाई कितने बजे और टाइम एट और टाइम में यहाँ पे, ठीक है, ओके, लेट्स चेक, सेव कर दिया, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं ठीक है, मैं करता हूँ सबसे पहले बारी बारी रिजर्वेशन, ठीक है, वन मोर टाइम, क्यों नहीं भाई, अच्छा रिजर्वेशन फॉल उसने मुझे फॉल बैक दे दिया, एट व्हाट टाइम, मैंने इसमें गलत बताया, ठीक है, एट व्हाट टाइम मैं बता देता हूँ कि भाई टुडे एट व्हिच टाइम 11 PM 7 PM सॉरी, ठीक है, एट व्हिच डे टुमारो, ठीक है,
किया आगे, उसने बता दिया कि अपॉइंटमेंट कॉल सेट। अच्छा, ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है देखते हैं, देखो यहाँ से हमारे सर्वर से आ रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई आईडी नहीं किया था ना। यहाँ पे अगर कोई अगर डायरेक्ट फ्लो का मैसेज आता हो तो मैं वो फील्ड डालता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटेंट्स को पैरामीटर्स को ऐड करके आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब ये दो चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, कार्ड्स वगैरह क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं। अब जैसे होता है ना सजेशन चिप्स का नाम सुना होगा, अब क्या होता है उसमें से क्या करते हैं। अच्छा, हमारे भाई आज तो वैसे हम चैट जीपीटी कनेक्ट करने वाले थे ना, तो हम उसी जगह मूव कर रहे हैं। ठीक है, चैट जीपीटी पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हो गया रूल बेस का, समझ में आ गया कि ये रूल बेस किस तरह से होता है। अब हम क्या करते हैं, एक मैं छोटा सा डेमो दिखा देता हूं कि आप चैट जीपीटी पे किस तरह से बना सकते हो। मैं क्या करता हूं, मैं आपका फ्लो नहीं चेंज कर रहा, बस मैं पूछ रहा था कि हम उधर ही जा रहे हैं ना। इनको नहीं, इनको असल में मैंने फुलफिलमेंट का थोड़ा सा आइडिया देना था कि फुलफिलमेंट किस तरह से होता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि डायलॉग फ्लो रूल बेस्ड और एआई बेस्ड दोनों को एक जगह पे डायलॉग फ्लो। अब क्या होता है, इनको फिर कस्टम चैटबॉट्स के लिए वो बनाना पड़ता, यूआई बनानी पड़ती, इसके लिए ऐसा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इतना बाय द वे इनका इनको आइडिया है इतना। ठीक, हमने फुलफिलमेंट का कोड नहीं पढ़ा इस क्लास में, लेकिन वो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, एलेक्सा से बिल्कुल ये मिलता जुलता है, एलेक्सा से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है इनका, बल्कि एलेक्सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये मुझे ज़्यादा आसान लगती है डायलॉग। ठीक है, अच्छा हम क्या करते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं ओपन एआई की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, ओपन एआई में आ जाता हूँ सिंपली। ठीक है, मैं क्या करूँगा, लॉग इन करूँगा, उसके बाद आप इस तरह से, अगर अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं जब न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा था तो वो क्रेडिट्स मुझे दे नहीं रहे, मतलब न्यू अकाउंट से मुराद मैंने एक रिसेंटली एक गूगल का न्यू अकाउंट बनाया था, और उससे जब ओपन एआई से जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो वो क्या कर रहे हैं, $18 की क्रेडिट देते हैं, तो अब जो न्यू अकाउंट है उसमें शायद क्रेडिट नहीं दे रहे, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है अकाउंट के साथ। तो यहाँ पे यूजेज में आई गेस बताता है, हाँ मैंने जब यूजेज में देखा तो मेरे अकाउंट में जो न्यू अकाउंट है वहाँ पे 00 शो कर रहा था, तो क्योंकि जैसे ही जब ओपन एआई आया था मैंने फॉरन ही इसमें अकाउंट बना लिया था, तो ये मेरे बचत हो गई। अच्छा, ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं है, ये 1st मार्च मतलब एक्सपायर हो जाएगा, इसी मंथ एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई थिंक $42 का इन्होंने कर दिया ना, जो कि मतलब यानी कि फास्ट चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक API की यहाँ से जनरेट कर देता हूँ, मैं आता हूँ API कीज पे। ठीक है, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, ऑलरेडी है मैक्सिमम API और ये सब यूज। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक एग्जिस्टिंग मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं वो आई थिंक वो गिटहब पे ही है। अच्छा, मेरी गिटहब पे ज़्यादातर प्रोफाइल क्या है, वो प्राइवेट है, आप लोगों को कुछ देखेगा नहीं, तो मैं जो हम पढ़ रहे हैं वो आज मैं कोशिश करूंगा कि क्या कर दूँ प्रोफाइल पब्लिक कर। ठीक है, ये तो कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, index.js के बाद यहीं पे एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ app.js के नाम से, और ये जो कोड है ना इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा आप लोगों को वो भी मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, प्लेग्राउंड में आ जाना है। ठीक है, प्लेग्राउंड पे आने के बाद अब मैं कुछ भी इसको प्रॉम्प्ट दूंगा ना, उसके बिहाफ पे वो प्रॉम क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इस व्यू कोड पे जाके क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ कुछ भी, रिटेन योर सेल्फ, मैं कुछ भी इसको एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, रिटेन योर सेल्फ
एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करूंगा ना तो एक चैट ये जनरेट कर देगा यूजर और उसके। ठीक है, ये सिर्फ दिखाना था कि प्लेग्राउंड किस तरह से वर्क कर रहा है। मेन हमारे पास ना ही ना वो व्यू बोर्ड पे जाए। देखो मैंने वहां पर प्लेग्राउंड में दिया था और यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर बोर्ड है ना ये हमारे पास नोड जेएस का, बाकी आप किसी भी प्रोग्रामिंग में कर सकते हो। अच्छा मान भाई, ये जो प्लेग्राउंड है ये एग्जैक्टली वही वाला ओपन एआई है ना जो जो चैट कर रहे हैं लोग, आवाम जो चैट कर रही है जो ओपन एआई से? अच्छा वही वाला है, लेकिन ये यूजर इंटरफेस ये डेवलपर के लिए, डेवलपर्स के लिए। अच्छा, इसमें ये फायदा ना कि आप इसमें इनके जो एआई मॉडल जो डिफरेंट है ना वो आप यूज कर सकते हो, लाइक कोडिंग्स जो है वो बेसिकली कोड बेस्ड जनरेशन, कोड वगैरह जनरेट। अब वहां पर क्या होता, वहां पर आपके पास एक ही यूआई है और वहीं पे मतलब आपको जनरेट करना पड़ता। अच्छा, बहुत सारे ये होता है। अच्छा, वहां पे कौन सा वाला है और यहां कौन सा यूज कर रहे हैं? ये अपने हिसाब से प्रिटेंड करके देते हैं। अच्छा, ओपन जो एआई जो आवाम जिससे चैट कर रही है वो रैंडमली कुछ करता है, वो बताता नहीं है। वो जैसे अगर आपने पूछे कि फैजा दम का मुकबरा कहाँ है, तो वो क्या करेगा उनके लिए जैसे टेक्स्ट डिविंची करके वो उससे रिस्पांस आता है। ये जैसे टेक्स्ट डिविंची 3 है, ये नॉर्मली हर चीज का रिस्पांस करती है। तो इनके मुख्तलिफ यानी कि रिस्पांस के हिसाब से, जैसे ये ज्यादा मतलब पावरफुल है, इसमें मतलब डॉट में देख लो बड़ा हुआ है, तो कोडिंग के लिए कोडेक्स है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये डिफरेंट क्या है मॉडल्स है जिसके बिहार में क्या करते हैं, टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं। ठीक है, अच्छा ये कोड मैंने बता दीजिए हाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, ये कॉपी करोगे आप और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्रेस का लिखा हुआ है तो एक्सप्रेस की चीज़ें अभी पीछे हमने देखा कि एक्सप्रेस की चीज़ें क्या होंगी। देखो ओपन कहानी सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, रिक्वायर किया हुआ ओपन एआई को। ठीक है, डॉट एन भी लगाए गए नॉर्मली। ठीक है, एक ही बात है, वो फर्क नहीं है, तो रिक्वायर है या इंपोर्ट है, एक ही बात। कौन सी जगह इंपोर्ट कर दोगे वो तो वो देखो ना, रिक्वायर के साथ वो नीचे तीन डॉट आ रहा है उस पे क्लिक करोगे वो खुद ही कन्वर्ट कर देगा, वो तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि डायलॉग टोक की ना कुछ लाइब्रेरीज पुरानी है ना, तो वो कभी-कभी ना इशू करती है ES6 में। तो मैंने भी स्टार्ट में इंपोर्ट मतलब ES6 यूज किया, लेकिन क्या होता है फिर कभी-कभी ना वो कोड फट जाता है आगे जाकर। तो कभी आप जब एप्लीकेशन में करो तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ लाइब्रेरीज में इनके इशू है। डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की अभी तक स्टिल ऑफिशियल लाइब्रेरी में इनके कोई ना कोई इशू है, ऑफिशियल लाइब्रेरी सही नहीं है उसकी। हाँ, ना उसको मेंटेन कर रहे हैं वो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे तो गिटहब से ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने। मैंने इनको बोला डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। एक तो डेवलपर्स भी इनके बहुत ज़्यादा कम है। तो अच्छा, मेरा भी यही मोटिव था। अभी मैं तकरीबन 2 महीने पहले हम काम कर रहे थे कि डायलॉग फ्लो की कम्युनिटी बनानी, तो सैलिन तमाम से भी मैंने डिस्कस किया था। तो सबसे बड़ा मसला ये है ना कि अभी आपने पता है गूगल जो है ना ज़्यादातर फोकस कर रहा है किसके ऊपर, फ्लटर के ऊपर और इनके क्लाउड है, ये 2 ही प्रोडक्ट के ऊपर ये मार्केटिंग कर रहे हैं। और इसके ऊपर मतलब इवन के पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है। अभी रिसेंटली फिर अगेन फ्लटर फ्लैश भी होने वाला है। तो इसी तरह के इवेंट हम क्या चाहते हैं कि डायलॉग फ्लो के भी हों, तो ये तभी होंगे कि अभी डायलॉग फ्लो के बंदे होंगे। ठीक, जब तक कम्युनिटी नहीं होगी डायलॉग फ्लो की तो पॉसिबल ही नहीं ना। अब देखो आज जावास्क्रिप्ट क्यों फेमस है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी है। फ्लटर को टाइम मार्केट में टाइम करने में इसी वजह से, क्योंकि इसकी कम्युनिटी नहीं है। भले से कितना भी अच्छा फीचर हो, जब तक डेवलपर्स नहीं होंगे तो आप जब फीचर्स का क्या फायदा जब तक आपके पास कोई साथ देने वाला ना। तो इसी वजह से हमें क्या करना है, अभी डायलॉग फ्लो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको आगे जाके पढ़ाना भी, ताकि क्या हो कम्युनिटी एक क्रिएट हो। अच्छा, इससे आपको क्या फायदा है? आप बोलोगे यार मैंने इतने मेहनत से फना इतने पेट्रोल जाया करके मैं आप अगले बंदे को फ्री का पढ़ा दूँ, भाई ये आपको बताया लग रहा है, लेकिन जब आपकी कम्युनिटी क्रिएट होगी ना वहां पर आप रोल मॉडल हो, अगला बंदा जाके आपको बताएगा कि यार मैंने फला बंदे से डायलॉग फ्लो सीखा, लाइक सरिन जमान से। मैं अगर कोई पूछेगा कि आपने डायलॉग फ्लो कहाँ से सीखा, तो मैं यही कहूँगा कि सरिन जमान से सीखा। तो इस तरीके से क्या होगी, कम्युनिटी बढ़ती बढ़ती बढ़ती, होप सो फ्लटर जितनी ना हो या गूगल क्लाउड जितनी ना हो, लेकिन एक रिपीट तो हो जाएगा ना कि मतलब एक नाम होगा कि भाई हाँ ये डायलॉग फ्लो के डेवलपर्स हैं। और ऐसा नहीं कि ये काम कर रहे हैं बस थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादातर इनका फोकस मतलब जैसे ये सुस्त टीम है इनकी, डायलॉग फ्लो की जो टीम है बहुत ज़्यादा सुस्त है। तो अभी इनका फोकस है CCAI करके बना रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा CCAI का, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। लेकिन हमें अब डेवलपमेंट हम जब कर रहे हैं डायलॉग फ्लो की, तो हमें क्या फोकस करना चाहिए कि हम इसकी कम्युनिटी भी क्रिएट करें। तो भाई
जो भी पढ़ो जाकर वीडियो बनाओ या फिर कोई अगर पढ़ना चाहता है पढ़ाओ, क्योंकि अगर जब अब देखो कम्युनिटी नहीं होगी आपको कोई नहीं जानता। अगर जावास्क्रिप्ट की मार्केट नहीं होती तो इतनी मतलब हाई पेड सैलरी होती किसी की नहीं है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि लोगों के जहन में चैटबॉट है। अब चैटबॉट डेवलपमेंट की बहुत सारी है, लाइक एक सुना होगा नाम बहुत ज़्यादा फेमस व्हाट एआई करके है, फिर कम्युनिकेट है, फिर मैनी चैट है, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। हमें क्या करना है, इन सबको अब कम्पीट करके हमने जो पढ़ा है ना उसको टॉप पे लेकर आना। तो बस मैं यही कहूँगा कि जो भी पढ़ो आगे बंदों को पढ़ाओ और कम्युनिटी क्रिएट करो। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बहुत ज़्यादा मैंने समझ दिए। तो अच्छा अब क्या करते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और सिंपली एक्सप्रेस का सर्वर मैंने ऐड कर दिया। अच्छा मैं की यहाँ पे लगा दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ ओपन ए आई जो की है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे ये इम्पोर्ट हुआ। ठीक है,
अब यहाँ पे जो कहानी है ना ये है डायलॉग फ्लो की। अच्छा मैंने क्या इसका सलूशन निकाला, आपको जो जो चीज डायलॉग फ्लो को समझ में ना आए, जैसे मैंने कहा कि अब मैं रेस्टोरेंट के ऐप में और मैं पूछूं कि यार इलेक्शन का क्या सीन है, तब मैं पूछूंगी व्हाट अबाउट इलेक्शन इन पाकिस्तान, तो वहाँ पे डायलॉग फ्लो तो घूम जाएगा, गाली तो नहीं दे सकता क्या भाई, तो वहाँ पे क्या बोलेगा कि भाई नहीं पता। तो इस तरह से क्या होगा, हम क्या करेंगे वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे किसको, चैट जीपीटी। तो हम क्या, मैंने क्या किया सिंपली रिक्वेस्ट डॉट अननोन, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कॉन्टेक्स्ट का यूज किया। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है जल्दी से दिखाता हूँ, कॉल बैक इंटेंट, ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अननोन बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर एक्शन मैंने क्या कर दिया, अननोन कर दिया। एक्शन मतलब डायलॉग फ्लो को कुछ वहां पे समझ में ना आया, तो ऑन दैट टाइम क्या बोलो हमारे पास चैट जीपीटी को, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे फुलफिलमेंट टेक्स्ट और ये सारा मैंने ऐड कर दिया। अच्छा यहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है एपीआई का इशू होता है, तो वहां पर भी मतलब यानी कि वहां पर भी इसको। और अच्छा अब हमारे पास सर्वर की भी फाइल अलग है, नई फाइल बना ली है। हाँ। और एजेंट भी हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू बना लिया है। हमें एजेंट राइट नाउ अभी हम क्या करें, पहले देखेंगे चैट जीपीटी किस तरह कनेक्ट करें, उसके बाद हम क्या करेंगे उसी में एजेंट को ऐड करते हैं। मिक्सचर हो जाएगा यानी डायलॉग फ्लो का एजेंट और चैट जीपीटी का मिक्सचर हो जाएगा। मतलब हम रूल बेस और एआई बेस दोनों को ऐड कर रहे हैं, और इससे क्या फायदा हुआ कि भाई यूआई कस्टम यूआई की तरह। अच्छा ये जो अभी आप बना रहे हैं ये अभी चैट जीपीटी, चले वो बनाए आप देखेंगे फिर क्या कर रहे हैं। अच्छा तो ब्रांड न्यू चैटबॉट और ब्रांड न्यू सर्वर है और हम अभी चैट जीपीटी कनेक्ट करने जा रहे हैं। चैट जीपीटी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको जल्दी से टर्मिनल पे आ जाता हूँ मैं, और न्यू टर्मिनल मेरा ऑलरेडी जो चल रहा है मैं उसको क्या करता हूँ बंद कर देता हूँ। यहीं पे क्या करता हूँ ऐप डॉट जी एस को रन कर देता हूँ, चलिए क्या इशू है ओपन एआई मॉड्यूल इज नॉट फाउंड। तो मैं क्या करूँगा सिंपली npm install ओपन एआई, ठीक है, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है अब मैं रन करता हूँ, अब क्या इशू भाई। अच्छा भाई मैं सिंपली क्या करता हूँ npm start, ठीक है सब कुछ ऑन है, ठीक है app.js। अब क्या इशू है .env .env ऐसे ये इशू होना नहीं सही, क्योंकि मैंने एक भी बहुत बता रहे हो सब चल जाए, ठीक है 501 पे चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा इस वाले ngrok को बंद करके मैं क्या करूँगा ngrok http और मैंने जो रखा है वो क्या 5001 मैं दे दूँगा, ठीक है। मैं ये जो ठीक है इसको उठाऊँगा, अब मैं देख रहा हूँ पोस्ट भी मैं रिक्वेस्ट इस पर कर रहा हूँ स्लैश डायलॉग फ्लो, ठीक है।
मैसेज आएगा, ठीक है। फुलफिलमेंट पे आया, वेबहुक को इनेबल करूंगा, स्लैश डायलॉग फ्लो कॉपी एंड सीएफ में क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा और मैं पूछता हूँ व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची, मैंने हाई दे दूँ, ठीक है। व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची, कैन यू से दैट अगेन, रीजन क्या है, हमने फॉल बैक पे इंटेंट फुलफिलमेंट को ही इनेबल किया, ठीक है। तो क्या करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स है ना सबको हटा देता हूँ और फुलफिलमेंट में जाकर इसको इनेबल करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या पूछता हूँ अगेन, व्हाट इज द वेदर ऑफ कराची, होप सो ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ता था, कस्टम बनानी पड़ती थी, एपीआई ढूंढनी पड़ती थी, फिर जाके ओपन वेदर एपीआई में जाते थे, फिर वहां पर जाकर मिलती थी आपको चीजें। अब यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ओपन एआई और डायलॉग फ्लो की। अब देखो ये अगर प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके जाओगे ना, क्लाइंट उछल जाएगा, वजह ये है कि उसको फिर बाद में आप उसको अगेन आने की जरूरत ही नहीं है आपके पास, वो कस्टम यहाँ से खुद भी कर सकते हैं। अब जैसे कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं आप बता दोगे, कभी कभी क्लाइंट थोड़ा सा लर्निंग टाइप का भी होता है तो आपको क्या बोलते हैं चीज़ों को बता दो, तो अब ये दो तीन चीज़ों को आप बता दोगे वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है आपके लिए प्लस पॉइंट होते हैं, एक तो आपको रिस्पॉन्सेज अच्छे मिल जाते हैं और वहाँ पर आपकी मार्केटिंग, आप अगले बंदे को चाहिए होगा चैटबॉट, जैसे बिजनेस वाले होते हैं ना वहाँ पर तो डिस्कशन होती है कि भाई यार आपने तुम्हारे वेबसाइट पर मैंने ये देखा, ये किससे बनवाया, वो बताएगा यार फाइबर या अपवर्क पे फलन डेवलपर से बनाया, तो ये क्या होती है आपकी फिर मार्केटिंग होते 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 आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते, ठीक है। सीन क्या होता है, मैं थोड़ा सा फ्रीलांस मार्केट प्लेस को बता दूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे फ्रीलांसिंग नहीं करनी। अब क्या होता है फ्रीलांसर सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट डिलीवर किया, रिस्पॉन्स आ गया, केस खत्म। आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो लाइक आप चैटबॉट डेवलपमेंट के साथ साथ आप कुछ और कर सकते, कुछ और भी कर रहे होगे या कुछ और पीछे पास में सीखा हुआ होगा लाइक वर्डप्रेस कभी किसी ने सीखा होगा या फिर वेब डेवलपमेंट आती होगी या कुछ भी, तो आप क्या करो क्लाइंट को उस बारे में भी बताओ। जब एक आपको ऐसा महसूस हो गया है क्लाइंट से बात करने में, मतलब वो बात करने वाला हो गया है, मतलब अब अक्सर होता है ना शुरू में तो क्लाइंट आप की मतलब आप खुद डरे हो तो यार क्या रिस्पॉन्स बता ना देते या कुछ हो जाए, मतलब खुद के थप्पड़ ना मारते, तो ये सारी चीज़ आप एक पर्टिकुलर स्टेबल कंडीशन पे जब आप आ जाओ वहाँ पर आप अपनी स्किल सेट अदर स्किल सेट लाइक उस प्रोजेक्ट से जो आपके पास है आप उसको भी बताओ, उससे क्या होगा कि वो आपका एक क्लाइंट जो कि सिर्फ छोटे से प्रोजेक्ट के लिए आया था वो आपका एक पर्सनल क्लाइंट बन जाएगा। अगर पर्सनल क्लाइंट ना भी बने ना तो वो 10 में से एक क्लाइंट वो आगे जाके अगले बंदे को बताएगा यार मैंने इससे बनवाया था और ये बहुत जबरदस्त, मतलब वट एवर जो भी ये बनाया, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट था मुश्किल से $50 का था, आई थिंक $50 का ही था, वो 50 को मैंने तकरीबन अच्छे खासे एक्स में कन्वर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी चल रहा है वो, मतलब यानी कि मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट था $50 का और अब हम मतलब यानी कि उनके लिए एज अ परमानेंट प्रोजेक्ट बिल्डर के तौर पर काम कर रहे हैं, मतलब उनकी ऐप है हम उसको डेवलप कर रहे होते हैं और आवरली वो पेड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये आपका फायदा, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीलांसिंग करो, आप अपने आप को बिजनेस फ्रीलांसर तो क्या वो आपका एक गिग देखा वो आ गया ना, नहीं आपको अपने आप को सेल करना है फ्रीलांस मार्केट, ठीक है। ये देख लिया हमने, अब क्या करेंगे सिंपली, ये तो हो गया, यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं। हाँ इसमें जो ओपन एआई है वो जो चैट जीपीटी से जब हम वहाँ ब्राउजर से जाके बात करते हैं तो जब हम उससे पूछते हैं कि कराची का वेदर क्या है तो वो बोलता है कि मैं इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, तो इंटरनेट नहीं होगी आपके पास, नहीं नहीं वो चैट जीपीटी बोलता है वहाँ पर कि मेरा जो कनेक्शन है वो इंटरनेट के साथ नहीं है, मैं आपको इस हवाले से नहीं बता सकता, तो ये यहाँ पर कैसे चेक कर लेते हैं यार, क्योंकि उसका जो डेटा पर फेलिंग तो 2021 में कट ऑफ हो चुका है, देख लेते हैं इस हिसाब से तो हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज है कि वो रिस्पांस दे रहा है किस तरह करके दे रहा है, वो कोड थोड़ा सा खराब बता दो, पीछे ओपन एआई के पीछे कोड लगा हुआ है हां वो भी बता दें, इसमें वहां पर कुछ भी नहीं है,
सिंपली जो रिस्पॉन्स उसको समझ में ना आया ना वो क्या हो गया, देखो जैसे उसको रिस्पॉन्स मिल गया, रिक्वेस्ट उसको मिल गई, तो वो क्या करेगा रिस्पॉन्स सेंड कर देगा जो भी उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स बनती है। जैसा मैंने वेदर का पूछा, ओपन ए आई नहीं के API से जाके वो कनेक्ट करे। ये तो डायलॉग फ्लो से जब आपने रिस्पॉन्स भेजा तो वो डायलॉग फ्लो को समझ नहीं आया, डायलॉग फ्लो से वो ओपन ए आई की तरफ यानी चैट जीपीटी की तरफ मैंने फॉल बैक पे लगाया ना। अब जैसे जो इंटेंट मैंने ये देखो यहाँ पे मैंने किस पे लगाया फॉल बैक, तो डायलॉग फ्लो को यही रूल है कि जो चीज़ समझ में ना आती है वो वहाँ पे चले जाती है फॉल बैक। तो फॉल बैक से गेट करके कहाँ जा रही है ओपन ए आई की तरफ, और ओपन ए आई की API पे हिट हो रही है वहाँ से क्या हो गए रिस्पॉन्स आ रही है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सो कोड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन, अच्छा कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से सिंपली मैंने बताया कि ये कॉल हुई जो उसको रिस्पॉन्स नहीं मिले वो इस पर्टिकुलर एक्शन में आ गई। ठीक है, अब अगर उस रिस्पॉन्स पे उस पर्टिकुलर जवाब ओपन AI के API से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया तो यहाँ पे हमारे पास डायलॉग फ्लो के उस पर कंसोल पे शो हो जाएगा, नहीं आएगा तो वहाँ पर सॉरी आई एम अनेबल टू गेट दैट। अच्छा ये अक्सर उस केस पे होता है या तो लोड ज़्यादा हो, ठीक है, या तो आपकी की खराब हो, मतलब की एक्सपायर हो, ये दो केसेस होते हैं, वरना ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या कर देते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इस कोड में, बिल्कुल कितने लाइन का कोड है ये लास्ट वाला आपका आंसर है एक बार ये मतलब अब जैसे होता है ना agent.add में आप क्या करते हो यहाँ आप क्या कर सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हो ना एक के बाद दूसरे, ये वही चीज है। ठीक है, और किसी को वहां पर वो चीज एक के अंदर हां तभी कुछ अब क्या होता है एक से दो बार एक्स वो होना तो एक ही मैसेज देख के ना यूजर क्या हो जाता है बोले यार एक ऑटोमेटिकली वो खुद जो मैसेज जो है वो रैंडमली लेकर आता है या उसे हम कुछ करना पड़ता है ओपन ए आई हां यहां पर जिस तरीके से आपने जो पीछे दो नंबर मैसेज ही लिखे सर्वर पे एक ये नो आई एम सॉरी वाला लिखा है और एक नो एंड वाला लिखा है तो किस तरीके से जो है वो कब कौन सा मैसेज शो करना है ये मैसेज तब शो होगा जब ना डायलॉग फ्लो को समझ में आए ना ओपन एआई को समझ में बस सिंपली ये हो सकता है। लेकिन वो जो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा मैसेज कब आएगा तो ये रैंडम है ये एल्स है इफ एल्स की कंडीशन है तो इसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से एक्शन तभी एक्शन का देखो यहां पे एक्शन का इशू होगा तो एक्शन के उसमें आ जाएगा हर दफा ही वो फॉल बैक पे जाएगा और जब वो फॉल बैक पे जाता है हम सीधा चैट जीपीटी पे उसको ले जाता है तो ये जो भी बंदा बोलेगा इस चैट बॉट से जो भी बात की जाएगी वो सीधा चैट जीपीटी पे ले जाएगा और चैट जीपीटी को जो समझ आएगा रिस्पॉन्स वो सामने देगा वो यूजर के पास आ जाएगा। अभी समझ लें आप डायलॉग फ्लो इसमें ना होने के बराबर है। अगर इस पे अगर डायलॉग फ्लो को मैं बिल्कुल भी रिमूव कर दूं मिसाल के तौर पे आप वेब एप्लीकेशन आप सब लोग बना चुके हैं एक टेक्स्ट बॉक्स होता है उसमें मैं लिखता और इस लाइब्रेरी के थ्रू चैट जीपीटी पे भेजता वापस आता तो अभी आप समझ लें कि डायलॉग फ्लो का अपना कुछ भी नहीं है इसमें ये सीधा चैट जीपीटी पे जाता है। अच्छा लेकिन डायलॉग फ्लो में हम अभी मोस्ट प्रोबेबली अभी यही करने जा रहे होंगे जरा बताएं अब आगे आप करेंगे क्या इसमें इंटेंट ऐड करेंगे अब जो इंटेंट कुछ इंटेंट अब इसमें ऐड कर देंगे अब होगा क्या कि अगर वो वाले इंटेंट पकड़ में आए तो हमारा चैटबॉट जवाब देगा अदरवाइज वो चैट चैट जीपीटी से जवाब देगा एल्स की कंडीशन के तब वो ओपन एआई की तरफ चले जाएगा वरना हमारा वाला रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे जहन में एक और आइडिया है अहमद भाई यार बड़ा अच्छा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर हम एक चैटबॉट बना रहे हैं प्रोपोजल राइटर असिस्टेंट है ना जैसे हमारे पास अपवर्क पे प्रोपोजल्स आते हैं अब वो प्रोपोजल इतना लंबा चौड़ा होता है। अच्छा तो हम एक चैटबॉट बनाएं वो क्या करे बंदे से बंदा बोले कि यार हेल्प मी रिप्लाई प्रोपोजल बोले यार व्हाट इज द प्रोपोजल मैं पूरा प्रोपोजल उठा के दूं उसको। अच्छा अब वो फिर पूछे कि इस प्रोपोजल का जवाब क्या देना है तो सामने से मैं बोलूँ कि यस देना है या नो देना है यही होता है असल में जवाब लेकिन वो प्रॉपर करना होता है। अच्छा हम वो बोल दें कि यस करना है इसका जवाब। अच्छा यस पे या नो पे हम पीछे ना एक ऐसा प्रॉपर जुमला तैयार करें एक तो वो प्रपोजल हमारे पास आ गया जो आया हुआ है ना क्या उसको कहते हैं वो इनवाइट कहते हैं इनवाइट जो आई है मेरे पास या कोई प्रोजेक्ट किसी ने लगाया हुआ है उसका जो टेक्स्ट है वो आ गया मेरे पास और मेरे पास यस नो आ गया दो पैरामीटर मेरे पास आ गया। अच्छा अब मैं जुमला बनाऊँ पीछे प्रॉपर खुद से सेंटेंस बना के चैट जीपीटी को भेजूँ और वो सेंटेंस क्या हो कि हे चैट जीपीटी
हेल्प मी रिप्लाई दिस जॉब ऑफर या जो भी इसका प्रॉपर नाम होगा, हेल्प मी। अच्छा फिर वो पूरा जॉब प्रपोजल हो, अच्छा फिर नीचे मैं लिखूँ साथ में चैट जीपीटी को कि मुझे इसका रिप्लाई जो है ना वो फॉर्मल इंग्लिश में चाहिए और जवाब यस में होना चाहिए, और जवाब में ये जो प्रोजेक्ट जो बनाने के लिए कह रहा है ना उसका भी जिक्र होना चाहिए। ऐसे कस्टम टेलर्ड उसको ना सेंटेंस बना के मैं भेजूँ चैट जीपीटी को और वो चैट जीपीटी मुझे जवाब दे और वो मैं यूज़र को दिखा दूँ। अच्छा ये चीज़ चैट जीपीटी में डायरेक्ट जाके यूज़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं एक सर्टन अंदाज में पूछूंगा तो वो सर्टन अंदाज में जवाब देगा। ये मैंने नोट किया है चैट जीपीटी से ना, अगर आपको जवाब लेना है प्रॉपर तो एक सर्टन अंदाज में पूछना है, तो यही ना आखिर यार अंदर तो कंप्यूटर है ना, इंसान तो है नहीं कि इतना इंटेलिजेंट तो होगा नहीं, तो एक सर्टन वे में पूछो, वो एक सर्टन वे में जवाब देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई सवाल पूछता हूँ और मैं कहता हूँ कि आंसर में विद कोड एग्जाम्पल, तो वो कोड एग्जाम्पल लाजमी देगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि वो कोड एग्जाम्पल दे। तो हम एक सर्टन वे में उससे पूछेंगे और वो हमें एक सर्टन वे में जवाब देगा। अच्छा मिसाल के तौर पर, अच्छा अब ये तो प्रपोजल राइटर असिस्टेंट हो गया, अच्छा इसी तरह वो ईमेल पे भी है अप्लाई हो जाएगा, ईमेल पे रिप्लाई करते हैं जो भी है। अभी रिसेंटली मैं अपर पे एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अभी वो जॉब चल रही है, उसमें यही है कि हम क्या करें, जैसे कंटेंट राइटर होते हैं ना उनको टॉपिक ढूंढने में यूट्यूब का बेसिकली, यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर होते हैं उनको शॉर्ट्स बनानी पड़ती है, उनको रोज अपलोड करनी पड़ती है, तो उनको टॉपिक्स ढूंढने में बड़ा मसला होता है। तो वही यही असिस्टेंट, मतलब इसमें मुझे 10-15 मिनट का काम करना होगा उसमें, तो वो बस चल रहा है, वो चल रहा है साइड से। तो उस पर क्या करना है, सिर्फ आपको इंटेंट जो कि आपका टॉपिक होगा, जैसे उसने कहा कि वो मूड के हिसाब से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता है, कुछ APIs के थ्रू चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करता है, जैसे उसकी यूट्यूब चैनल है वो देखेगा कि वो यूट्यूब चैनल पे किस तरह की वीडियोस को अपलोड करता है, उसके बिहाफ पे वो कंटेंट को क्या करता है, सजेस्ट करता है कि भाई आप एक वीकली शेड्यूल बना दो, फिर तो भाई फला दिन फला टॉपिक अपडेट होगी विद कॉन्टेंट, जैसे उसके जो टाइटल होते हैं वो, देन उसके बाद उसकी जो कंटेंट उसने क्या अपडेट करना है उसके बारे में पूरी डिटेल, देन वो क्या करता है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंटेंट क्रिएटर असिस्टेंट है। तो उसी तरीके से बहुत सारे असिस्टेंट आप बना सकते हो, और मतलब यानी कि कुछ भी काम करना है आपको, आपको बस वो सोचनी है मैक पे आपके साथ चैट जीपीटी है और आप डायलॉग फ्लो भी आपके पास है, तो कोई मसला ही नहीं, यूआई का भी टेंशन नहीं है, आप यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे बिल्ट इन देते हैं, फिर इन 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 वेब पूरी मतलब आपके पास वेब के तौर पे खुल जाती है, वो वेब डेमो करके इवन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब जैसे ये मैंने बताया, अब आप ये फेसबुक का एक ग्रुप बना दो, वहाँ पर आप बता दो कि भाई कोई भी एक नाम रख दो, अक्सर अभी जैसे पेपर्स करीब है मैट्रिक 9 वालों के, आप एक उनके लिए चैटबॉट बना दो, वहाँ पर 9-10 के नोट्स से रिलेटेड कोई अगर पूछे तो वो PDF उनको चले जाए, ठीक है। और बाकी अगर कोई चैट हो, जैसे आप कोई पूछ रहे हैं कि न्यूटन भाई कहाँ पैदा हुए थे, वहाँ कस्टम कोड करना पड़े, वहाँ पे क्या है चैट जीपीटी यूज़ होगा, तो बहुत आइडियाज हैं, चैटबॉट बहुत बड़ी फील्ड है। और आने वाले वक्तों में सर इंतजाम ने हमें पढ़ाया था, तो सर इंतजाम ने मुझे यही कहा था, हम सबको यही कहा था कि आने वाले वक्तों में हर जितनी भी वेबसाइट है ना वहाँ पर चैटबॉट इम्प्लीमेंट होगा। और इस साल आप रेशो देखोगे ना चैटबॉट्स कितनी वेबसाइट्स में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, आप इन पिछले साल इतना चैटबॉट का नहीं था, इस साल इस वजह से भी है क्योंकि चैट जीपीटी ने आगर चीजों को चेंज कर दिया, तो आने वाले वक्तों में चैट जीपीटी कहने से मतलब ये हो गया है, अब कोई चैटबॉट बताओ ना चैटबॉट डेवलपर उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि ये क्या है, मतलब पहले पूछते थे लोग यार ये चैटबॉट क्या होता है उसको बताना पड़ता था, चैट जीपीटी ने आगे हमारा ये मसला हल कर दिया, सबको पता है चैटबॉट क्या होता है। अच्छा पहले जब स्टार्टिंग में जब कोर्स आया था तो हम तो फर्स्ट बैच में थे, तो यही था कि यार तुम लोग जाकर ये क्या सीख रहे हो, चैटबॉट क्या होता है इसकी तो कोई मार्केट ही नहीं है, और वही बंदा भी मतलब वो सेम जॉब कर रहा है और मैं उससे मतलब अगर इनकम की मैं बात करूँ तो वीडियो लाइव है नहीं रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे स्टेज पर, तो वो बंद जो बात कर लेंगे वो उसी स्टेज पर ना यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मैं, हाँ यूट्यूब पता भी मैं रुक गया FIA वाले नाम, तो आपको क्या करनी है अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, अल्लाह ताला खुद रास्ता बना देता है। अगर आपको जो फील्ड आपको एज अ पैशन आपको लगे कि यार वो करने में मज़ा आ रहा है, मतलब मैंने वेब डेवलपमेंट की मुझे मज़ा आया लेकिन मैंने ये देखा कि यार पत्थर उठा रहा हूँ हर जगह से वेब डेवलपर निकल रहे, तो ये मुझे थोड़ा सा वो लगा ना कि यार कोई कुछ अलग करना है, तो मैंने कुछ चीज़ों को मैंने पहले वॉइस एप्लीकेशन एक छोटा सा कार बनाया था, तो वो मतलब उसके बाद थोड़ी सी नेचुरल NLP की तरफ मेरी रुझान बढ़ी, उसके बाद फिर ये सनारी की तरफ से कोर्स आ गया, तो मैंने कहा कि यार बस
करते हैं, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये क्या इन चक्करों में पड़ रहे हो, वेब का दौर है, मोबाइल एप्लीकेशन करो। वहाँ पे उस वक्त भी ये फ्लटर भाई बहुत इन हो गए थे, रिएक्ट नेटिव उस वक्त थी लेकिन फ्लटर उस वक्त नया नया आया था, और बहुत सारे डेवलपर्स कह रहे थे कि यार इसमें वेब भी बन रही है, ऐप भी बन रही है, और iOS की भी ऐप बना रहे हो फ्लटर से। उन्होंने नहीं आया, जो चीज़ आपको जो चीज़ पसंद हो ना वही आप करो, वही आपका पैशन है। जैसे सर तमाम अक्सर चाय वाले की एग्जाम्पल देते रहते हैं कि भाई अगर आपका पैशन है कि आपको चाय बनानी अच्छी आती है ना, तो आप वही करो। ज़रूरी नहीं कि आप बर्गर का ठेला लगा दो या फिर आपने जिंगर का भी लगा दिया या चिप्स का भी, जो आप जिस चीज़ का आप पैशनेट हो ना आपको वही चीज़ करनी। मैंने इंटरव्यू किया है, मैंने दो महीने मैं था स्टूडेंट बेसिकली, इंटर तो मैंने बायो से किया, सॉरी मैट्रिक मैंने बायो से किया, इंटर जो है ना मैंने दो महीने प्री इंजीनियरिंग करी और मुझसे नहीं हुआ। एक प्रेशर तो नहीं था घर से, लेकिन सब यही कह रहे थे कि NIT जाओगे वहाँ पे तुम्हारी सैलरी लग जाएगी 4 साल बाद 70-75 हज़ार, उस वक्त नहीं 70-75 भी नहीं 40-50 हज़ार। तब घर वालों के जहन में यही था इतनी महंगाई होगी नहीं, आगे नवाज शरीफ तो आएंगे, इसी के जहन में नहीं था, इमरान खान था उस वक्त, तो यही कह रहे थे कि भाई NIT चले जाओ इंजीनियर बन के निकल जाओगे। लेकिन मैंने 2 महीने पढ़ा लेकिन केमिस्ट्री से मेरी नहीं बनती थी, वो डेफिनेशन ही नहीं मुझे, और वो पीरियोडिक टेबल और पता नहीं रिलायबल डिजिट्स पता नहीं क्या क्या था, तो मैंने 2 महीना पढ़ के क्विट कर दिया। तो एक मेरे अब्बू के दोस्त थे, फादर के बहुत अच्छे दोस्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ऐसी रैंडमली एक इवेंट में आए हुए थे, अच्छा जनाजा था किसी का, तो उसमें वो आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी कि आप क्या करते हैं, उन्होंने फिर बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार छोड़ दो ये, तुम टेक्स की तरफ आ जाओ, कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाओ। तो स्टार्टिंग में मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस का सीन ही पता था उस दौरान मुझे, मैं सिर्फ गेम्स खेलता था और बस कंप्यूटर बंद कर दिया। इवन कि फर्स्ट ईयर के हाफ तक मुझे कुछ मतलब, अगर मैं पिछले अगर 2.5 साल पहले अगर मैं बताऊँ तो मुझे कंप्यूटर का सी भी नहीं पता था, और अलहमदिल्ला बस इंसान को मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ। तो उसके बाद मैंने घर पर मैंने बताया कि भाई मैं क्विट कर रहा हूँ केमिस्ट्री और प्री इंजीनियरिंग क्विट करके मैं आ रहा हूँ। तो मेरे उस दौरान 2-3 कदम जो थे हुआ करते थे, अभी रिसेंटली वो पास आउट हुए NIT से, तो बोले यार तू फ्यूचर से खेल ले अपने, मतलब नहीं NIT नहीं जाएगा, लड़की अच्छी नहीं मिलेगी, हाँ क्या होगा, मतलब उस दौरान तो लोगों के जहन में यही रहते यार पढ़ना है शादी करना है बस और क्या। तो मना किया लोगों ने, मैंने कहा कि यार मुझे जो अच्छा लगा मैं वही करूँगा। तो उनसे मैंने बात मतलब जो फादर के दोस्त थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया हालात के बाद। इतफाक से जिस इंस्टीट्यूट में था उसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस भी था, मैंने कंप्यूटर साइंस की बैच को ज्वाइन कर लिया। अच्छा वो लोग जो कंप्यूटर साइंस हमें पढ़ाते थे वो हमें स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया था मैट्रिक में मैथमेटिक्स, तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि कंप्यूटर साइंस की तरफ आ जाओ। वो एपटेक्स उस दौरान कुछ एपटेक्स से मतलब वो पढ़ भी रहे थे और शायद पढ़ा भी रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा था। तो इंटर फिर मैंने इस तरह से मतलब मैं स्विच हुआ कंप्यूटर साइंस। तो यही होता है आपके लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए और कब आप उस दौरान आपका बूस्ट आपको मिल जाए आपको नहीं पता, ठीक है आप बस अपनी मेहनत करते। अच्छा इस दौरान भी आप कभी कभी ऐसा होता है ना आपको लगता है कि यार ये बंदा तो टॉप पे, इसकी लाइफ में तो मतलब पैसे ही पैसा होगा, मतलब जो चाहता होगा मिल जाता होगा, नहीं हर की लाइफ में अपने हिसाब से पंगे, ठीक है। तो किसी को इस तरह से जज नहीं किया करो कि यार फला बंदा तो इतने पैसे उसके पास तो कुछ नहीं है या फला बंदा के पास प्रॉपर्टी या कुछ भी है, हर के लाइफ में अपने उसके हिसाब से उसके केस के हिसाब से शूज चल रहे हैं, ठीक है। और यही लाइफ है, अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल के दुनिया में क्यों भेजा था। तो इंसान को क्या करना है बस अपने अपना बेस्ट हो और जो होना है वो होगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।